15,000 की रेंज में बेस्ट गेमिंग फोन की तलाश कर रहे हो और इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद भी स्टिल कंफ्यूज हो कि Realme Narzo 70 Turbo लिया जाए या फिर iQOO Z9। बिकॉज Narzo 70 Turbo इस सेगमेंट में एकमात्र ऐसा फोन है जो BGMI 90fps की सेटिंग अनलॉक करता है। तो इसकी 90fps की गेमिंग देखकर अगर आप ये फोन लेने का सोच रहे हो तो उससे पहले आपको iQOO Z9 की खूबियों के बारे में जान लेना चाहिए। तो आइए इन दोनों ही फोन का साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं और आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। सबसे पहले इनकी मेन इंपॉर्टेंट चीज गेमिंग की बात कर लेते हैं। Narzo 70 Turbo फोन में हमें MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी वाला प्रोसेसर दिया गया है, वही दूसरी तरफ हमें iQOO Z9 में MediaTek Dimensity 7200 का प्रोसेसर दिया गया है जो BGMI में 90fps की गेमिंग कराने के लिए कैपेबल नहीं है। Narzo 70 Turbo के 90fps गेमिंग की बात करें तो TDM में 60-70fps ही निकाल कर देता है और इसके एंगल के हॉट ड्रॉप की लोकेशन की गेमिंग की बात करें तो वहां पे बहुत ही ज्यादा fps ड्रॉप हो जाते हैं जो कभी तो 30fps पे आ जाते हैं और ये मैक्सिमम 30-55fps के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है। एंड इसका GT मोड ऑन करने के बाद भी यही हाल है। और गाइस इसके 60fps गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो ये 50-55 के बीच fps निकाल कर दे देता है, बट ये कांस्टेंट 60fps के समथिंग fps प्रोवाइड नहीं कर पाता है। और अगर आप गाइस इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ गेमिंग करना चाहते हैं तो ये उस चीज के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है, बिकॉज नॉर्मली 60fps की गेमिंग इतने अच्छे से नहीं करवा पा रहा है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस निकल कर नहीं आने वाला है। वही दूसरी तरफ गाइस अब बात कर लेते हैं iQOO Z9 की, जिसमें हमें 90fps का सपोर्ट तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसमें हम 60fps की गेमिंग कर सकते हैं। iQOO Z9 में जब 60fps पे TDM खेलते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस निकल कर आता है, कांस्टेंटली 58-60fps मिल जाते हैं। और इसके एंगल के गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करें, चाहे से हॉट ड्रॉप हो या नॉर्मल, ये कांस्टेंटली 60fps के समथिंग एक्सपीरियंस निकाल कर दे देता है, बस समटाइम्स 51-55fps ड्रॉप कर देता है, बाकी इसमें 60fps की स्टेबल गेमिंग देखने को मिलती है। और गाइज आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ गेम प्ले रिकॉर्ड करना चाहते हैं तब भी ये 50-60fps के बीच में निकाल कर दे देता है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद भी इसका 60fps का काफी अच्छा एक्सपीरियंस निकल कर आता है। तो गाइज ये था इन दोनों फोन का गेमिंग एक्सपीरियंस। और अगर इनके गेमिंग के दौरान बैटरी बैकअप की बात करें तो Narzo 17 Turbo हमें 1 घंटे के अंदर लगभग 20% की बैटरी ड्रॉप देखने को मिलती है और हमें इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है विद 45W चार्जिंग। वही दूसरी तरफ iQOO Z9 भी 1 घंटे के अंदर 20% की बैटरी ड्रॉप कर देता है और इसमें भी 5000mAh की बैटरी दी गई है विद 44W चार्जिंग। तो ओवरऑल इन दोनों ही फोन्स का बैटरी बैकअप काफी अच्छा निकल कर आ जाता है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इन दोनों ही फोन्स के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। Realme Narzo 17 Turbo में आपको 3.5mm जेब का गड्ढा देखने को मिलता है, वही Z9 Pro में आपको ये मिसिंग देखने को मिलता है। Narzo 70 Pro में 50MP का कैमरा दिया गया है जो गुड फोटोज निकाल कर दे देता है और लो लाइट में काफी बेकार फोटोज क्लिक करता है, और 16MP की सेल्फी है जो ओके फोटोज निकाल कर देती है। वही Z9 में भी 50MP का कैमरा दिया गया है जो स्लाइटली बेटर फोटोज निकाल कर देता है और 16MP की सेल्फीज भी अच्छी आ जाती है, बिकॉज ये वीवो का सब ब्रांड है। Z9 की लो लाइट की फोटो भी गुड निकल कर आ जाती है। Realme Narzo 70 Turbo में हमें IP65 की रेटिंग देखने को मिलती है, वही Z9 में हमें IP54 की, तो स्लाइटली बेटर Narzo 70 में स्प्लैश प्रूफ की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। और गाइस इन दोनों ही फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है और 120Hz वाली अच्छी डिस्प्ले भी दी गई है। Realme Narzo 70 Turbo का बेस वेरियंट 6GB रैम और 128GB स्टोरेज का आता है, वही दूसरी तरफ iQOO Z9 का बेस वेरियंट 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ स्टार्ट होता है। और गाइस Narzo 70 Turbo हाल ही में लॉन्च हुआ है, दूसरी तरफ iQOO Z9 को लॉन्च हुए 6 महीने हो गए। और गाइस जब Narzo 70 Turbo लॉन्च हुआ था तो उसके बेस वेरियंट की प्राइस थी 17,000 रुपए, वही iQOO Z9 के लॉन्च के दौरान इसके बेस वेरियंट की प्राइस थी 20,000 रुपए। तो अब आने वाले सेल में Narzo 17 Turbo का बेस वेरियंट ऑफर लगाने के बाद 15,000 रुपए के मिलने वाला है, वही iQOO Z9 का बेस वेरियंट हमें ऑफर लगाने के बाद 16,000 रुपए में मिलने वाला है। तो गाइस कंक्लूजन निकलता है, अगर आपको 90fps की गेमिंग से उतना फर्क नहीं पड़ता है और 60fps की शानदार गेमिंग चाहिए और कैमरा भी डिसेंट चाहिए एंड साथ ही आपको ये फर्क नहीं पड़ता है कि 6 महीने पहले ये फोन लॉन्च हुआ था, तो डेफिनेटली आप iQOO Z9 को कंसिडर कर सकते हैं, बस आपको 1,000 रुपए का बजट बढ़ाना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग तो iQOO Z9 इज गुड ऑप्शन, बिकॉज मैक्सिमम क्लासिक प्लेयर 60fps की गेमिंग करना ही पसंद करते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो गाइस 15,000 की रेंज में तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया, अगर आपको 20,000 की रेंज में फोन चाहिए तो ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं।